बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जिस जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब लाजमी से कर लीजिएगा, और हमारे इस चैनल गुलियन व्लॉग को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिएगा। तो चलिए बगैर किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्यूब पकड़ा हुआ है। तो मैंने आपको बताता हूँ मैं ये किस लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। मैं ये इसलिए लेके आया क्योंकि मैंने अभी अभी क्यूब ये वाला 3x3 सॉल्व करना सीखा है। अभी मैं देखता हूँ कि अभी साल होता है या नहीं, क्योंकि अभी बज रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है, 6:02 हो रहे हैं। तो मैंने अभी तकरीबन 5:30 बजे सीखा है, उसके बाद 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस की है। तो अभी देखते हैं होता है सॉल्व या नहीं। तो मैं अभी सॉल्व करने लगा हूँ, आप सबके सामने सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ कि होता है या नहीं। दोस्तों, मुझे लगता है पीछे वाली बड़ी लाइट ऑन करनी पड़ेगी, क्योंकि देखें ये मैं ऐसे करता हूँ तो मेरा मुँह ही नहीं सही साफ नज़र आता, तो जल्दी जल्दी बंद करता हूँ। तो मैंने बड़ी ऑफ करके वो छोटी ऑन करती है। तो अभी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं कब तक होता है सॉल्व। यार ये तो बहुत मुश्किल वाला स्क्रैम्बल हो गया। पहले हम इस तरह क्रॉस बनाते हैं येलो पे वाइट का, जैसा कि मैंने बना लिया है, आपको साथ साथ दिखाता हूँ। दोस्तों, मैंने अभी यहाँ पे कैमरा सेट कर लिया, बड़ी लाइट ऑन कर लिया, छोटी में तो रोशनी नहीं हो रही थी। तो अभी ये क्यूब फुल्ली स्क्रैम्बल है, देख सकते हैं। तो अभी पहले हम येलो किधर गया, येलो के इधर 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 वाइट लेकर आएंगे, जल्दी जल्दी यहाँ पर वाइट लेके आते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर वाइट आ चुका है। अभी इन वाइट को इनके मुताबिक ना यहाँ पे लेके जाना है, जल्दी जल्दी यहाँ पे भी ले जाते हैं। देखते हैं ये वाइट पे आ चुका है, और ये वाले ये सारे सेम हो चुके हैं, ये देखें नजर आ रहा है। अभी हम इनको सेट करेंगे, जो होते हैं ना इनको कॉर्नर सेट कर लें। अभी हम ये सेकंड लेयर को सॉल्व करेंगे, इसको भी करना आसान है, जल्दी जल्दी ये भी सॉल्व कर लेते हैं। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए ना इसी चैनल पे, तो आप बता दीजिएगा, तो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा इसका ट्यूटोरियल। अब जल्दी जल्दी बगैर देरी के ना इसको करते हैं सॉल्व। तो देख सकते हैं सेकेंड लेयर भी कंप्लीटली सॉल्व हो चुकी है, और ये वाला जरा भी नहीं बिगड़ा, और नीचे से भी नहीं। अब ये वाली लेयर रह गई है सबसे ऊपर वाली लेयर, ये वाली, जल्दी जल्दी इसको भी सॉल्व करते हैं। ये मेरे ख्याल से मुझे भूल जाएगा, देखते हैं। यहाँ से भूल गया, मैंने आपको बोला था मुझे भूल सकता है। अभी फिर से ना वो जो उसका एक पेज है वो मैं खुद ही बना के यहाँ पे रख लेता हूँ, तो देखते हैं फिर उससे देख के कर लेंगे। तो दोस्तों, जब तक मैं वो बना रहा हूँ ना एल्गोरिथम वाला, वो वाला जो है इसका जो चार्ट है, तो मैं उससे पहले मैं आपको ना एक बात बता देता हूँ
कि मैंने ना एक ना नया चैनल खोला है फैक्ट्स का, तो उसका नाम है, क्या नाम है, नाम भूल गया, फैक्ट्स जीवी। उसको भी सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस पर भी अच्छा सा सपोर्ट दिखाएं, तो जल्दी जल्दी उस पर भी 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दें, तो मैं जल्दी जल्दी ना इसको क्या कहते हैं, इसका एल्गोरिथम बना लूँ यार। आप लोग इतने में जाके ना उस चैनल को सब्सक्राइब भी करो यार। तो दोस्तों मैं ना अभी एल्गोरिथम बनाने लगा था, शुरू करने लगा था, तो उससे पहले ना मेरे पास आ गई है चाय, नजर आ रही होगी, चाय आ गया। तो अभी पहले चाय पीते हैं, फिर एल्गोरिथम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों चाय पी ली है, अभी एल्गोरिथम बनाना स्टार्ट करने लगा हूँ, तो उसमें 10 मिनट तो लग जाएंगे, 7-8 मिनट लग जाएंगे। जल्दी जल्दी वो बनाता हूँ, व्लॉग स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि इस फोन के ऊपर ही एल्गोरिथम, तो उससे देख के बनाना है एल्गोरिथम। तो दोस्तों मैंने तो सोचा था एल्गोरिथम 7-8 मिनट में बन जाएगा, पर वो तो 5 मिनट से भी जल्दी बन गया। अभी मैंने बनाया है लेड पेंसिल से बनाया, इतना साफ आपको नजर नहीं आएगा। तो मैं ना यहाँ पे एल्गोरिथम दे दूंगा आपको, सारा दूंगा, मैंने अपने हिसाब से बनाया है, जितना मेरा हो गया ना है उतना मैंने अब बनाया है। लास्ट 4 स्टेप्स आपको नजर आ रहे होंगे, जिनमें से मैंने एक कर लिया सबसे ऊपर वाला, बाकी जो 3 है ना वो मैंने करने हैं, तो सेकंड वाले पे मैं भूल गया था। तो अभी मैं सेकंड वाले पे अटका हूँ, तो एल्गोरिथम को देख के मैं साथ साथ करना शुरू करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ मुझे भूला क्या था, मुझे वो फार्मूले है ना जो सेकंड के, वो मुझे भूल गए थे, ये फार्मूले मुझे भूल जाते, फार्मूले भी मैंने ना इधर बिठाने हैं, इधर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। से गलती हो गई है, मैंने पहले गलत कर दिया था ये फार्मूला, फिर मैं वापस करते करते मैंने फिर गलत कर दिया यार। अब मुझे फिर दोबारा से करना पड़ेगा, आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि पहली वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अभी और भी बनानी है, देखेंगे और बनानी है नहीं, तो जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ना कि 4 स्टेप थे, तो अभी मैंने सॉल्व किया, इस दफा मेरा दूसरा स्टेप जो है ना आई कोई नहीं, सीधा सॉल्व, वो जो है ना सेंटर पीसेस के वो जो एज वो सीधा सॉल्व। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ, किसी काम के लिए बुला लिया ने, तो वो काम करके फिर आता हूँ, फिर सॉल्व करूँ। तो दोस्तों मैं भी आ चुका हूँ काम करके, तो अभी सिर्फ 2 रह गए, सिर्फ 2 स्टेप, वो फॉलो करके सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों अभी फिर से शुरू करते हैं ना, जहाँ पे अटके हुए थे वहाँ से। दोस्तों देख सकते हैं सारा क्यूब सॉल्व हो गया है, तो मैंने आपके सामने सारा क्यूब सॉल्व किया है अभी। तो दोस्तों बस अभी मेरी ना स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है, तकरीबन 2 से 2.5 मिनट में मैं ये पूरा क्यूब सॉल्व करता हूँ, तो बस देखना है कि कब जाकर मेरी 50 से 40 सेकेंड होती है स्पीड। तो दोस्तों अगर आपने ट्यूटोरियल देखना है ना, तो मेरे ख्याल से मैं तो नहीं अपलोड कर पाऊंगा, तो मैंने जिसे सीखा है ना, मैंने सीखा स्नैप टेक्निकल से, जिस वीडियो से मैंने सीखा उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो जो सीखना चाहता है वो वहां से सीख लीजिएगा। तो इसीलिए मैं आपको उस वीडियो की लिंक दे रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं अपलोड कर पाऊंगा क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता यार। तो बस यही था आज का हमारा क्यूब सॉल्विंग व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक लाजमी कीजिएगा,
और हमारे इस चैनल गुलियाना ब्लॉग को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।